ये बेचारी मेरी गाभी थी, तकरीबन 3 से 4 मंथ की थी वीवर्स, ये ना मेरी मर गई है तकरीबन। वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है उसका करते हैं जी आगाज़। आज ही सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा मुझे दिन हो गए कोई मैंने व्लॉग नहीं डाला पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ और काम 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 सिर्फ काम काम में मसरूफ़ होता हूँ, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ आते हैं। इंशाल्लाह आप डेली बुनियाद पर बेसिस डेली के बेसिस पर इंशाल्लाह आज के बाद व्लॉग डालने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा, और पहले जैसे ही इंशाल्लाह व्लॉग मेरे आएंगे इंशाल्लाह। सैड न्यूज़ है, सैड न्यूज़ आपको थंबनेल देखकर ही पता चल गया होगा कि आज क्या सैड न्यूज़ है। तो आज का जो व्लॉग है उसके कहते हैं जी आगाज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं जी, आपका दिली तौर पर बहुत बहुत जी शुक्रिया। ये बेचारी मेरी गाभी थी, तकरीबन 3 से 4 मंथ की थी वीवर्स, ये ना मेरी मर गई है तकरीबन। ईद आने से पहले मेरी ये ना गाभी थी, तकरीबन 3 से 4 मंथ पहले मैंने ली थी। मेरी गाय भी मर गई और उसकी जो ये बची थी आज ये भी मर गई। ये भी हमारी तकरीबन 3 से 4 मंथ की गाभी थी, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह चीज़ थी। इनको कौन सी नज़र लग गई, अचानक इनकी तबीयत ख़राब हो गई और अचानक से ये मर गई। मैं तो घर पे नहीं था, अचानक इनको इसको पता नहीं क्या हो गया, ये बहुत बड़ा ये नुकसान हो गया हमें। हम सोच रहे थे ये अच्छे नसर की थी, लेकिन पता नहीं इसको क्या हो गया, बेचारी मर गई। और अभी भाई आने वाला है तो मैं इससे करता हूँ कि रस्सा इससे बांधकर बाइक से टोचन करके इसको लेकर जाता हूँ, फेंक कर आता हूँ। और क्या कर सकता हूँ जी, हिलाल भी मैं नहीं कर पाया। पिछली जो मेरी गाय मर गई थी उसको तो मैंने हिलाल कर दिया, लेकिन इस बेचारी को तो मैं हिलाल भी नहीं। मैं तो घर पर नहीं था और अचानक इनकी तबीयत ख़राब हो गई और ये चल बसी बेचारी। तकरीबन बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बस जो अल्लाह की मर्ज़ी, क्या कर सकते हैं जी, बड़ा दुख हो रहा है यार। और अभी आने वाला है तो रस्सी से बांध कर ले जाते हैं, और क्योंकि इसमें वो बहुत ज़्यादा भारी वज़न हो चुका है, क्योंकि रात को ये चली बसी तो तकरीबन 12 घंटे इसको हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा उफली हुई है ये। तो आप देख सकते हैं इसका ना पेट उफला हुआ है। तो अभी इसको टोचन करके मैं ले जाता हूँ, भाई आता है तो इसको बाइक पर टोचन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, वरना इसको रक्षा बुलाना पड़ेगा। तो जी ये मेरी गाय मर गई और मैं इसको बाइक से टोचन करके लेकर आया हूँ, इधर पहुँचा दिया है और ये बंदे आ चुके हैं। अभी घसीटो घसीटो तू घसीट रहे, तो मुझे ही घसीटना पड़ रहा है क्योंकि इसके अंदर हमें दूर लगा। तो फाइनली व्यूअर्स, अभी ना मैं अपनी बाइक के लिए ऑयल लेकर आया हूँ। मेरी जो पुरानी बाइक है उसी में ऑयल की कमी है, बहुत ज़्यादा कम ऑयल हो गया था, उसकी वजह से मैं ये M5 का डब्बा लेकर आया हूँ ऑयल का। आप ये देख सकते हैं जी, हमारे करीबी स्टाफ से मिलता है, M5 डब्बे का नाम है जी। मुझे ये मिला है तकरीबन 450 रुपये का मुझे ये मिला है, लेकिन है तो ये लेकिन सस्ता, लेकिन हमारे यहाँ विलेज में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो तकरीबन ये ऑयल मैंने तो ये लिया है, तकरीबन इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने इससे अच्छा नहीं लिया क्योंकि मेरी जो ऐसी बाइक ही नहीं है, फिर भी 450 रुपये का मेरे हिसाब से महंगा मिला है जी। तो अभी डालते हैं इसके, अभी मैं जा रहा हूँ जो ऑयल डालने के लिए ना कपड़ा को चाहिए, जो हम पापड़ा बोलते हैं अक का, तो ये जो नहीं है ये क्या कहते हैं बोलते हैं इसको, ये यार पत्ते, तो ये देखें बहुत ज़्यादा ना बड़े बड़े पत्ते हैं। ये हम एक पत्ता निकालेंगे और ऑयल डालते हैं बाइक के अंदर जी, इसमें दूध निकलेगा अभी देखना। ये देखें ये भी दूध निकल रहा है, ये आप पियो, मैं ऑयल डालता हूँ बाइक के अंदर। अभी चलते हैं, ये पता लगाते हैं और ऑयल लगाते हैं बाइक के अंदर। अब मैं ही ट्यूनिंग कर रहा हूँ, अगर खुद मैं अगर चाहूँ तो इस बाइक की ट्यूनिंग भी मैं खुद ही कर सकता हूँ, लेकिन ट्यूनिंग की मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही, लेकिन ऑयल मैं खुद ही डालता हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग है वो मैं खुद ही कर लेता हूँ। अभी इस पत्ते की कुछ सेटिंग करते हैं और साथ में ये पकड़ है इसको खोलते हैं जी, आपको भी दिखाता जाऊँ ना ये कैसे काम किया जाता है। मैं तो वैसे आपको दिखा रहा हूँ, पता तो आपको भी होगा, लेकिन मैं यहाँ से जो नीचे वाला नट नहीं है ये नहीं खोलूँगा, मैं ये नट नहीं खोलूँगा, मैं यहाँ से डायरेक्ट ये निकालूँगा, ये निकालूँगा, क्योंकि वो नट जैसा मेरे पास पाना नहीं है ना। ये भी टूटा फूटा हुआ है, अभी इसको निकालते हैं। और आपको ऑयल भी मैं चेक कराता हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम ऑयल है इसमें, ये देखें बिल्कुल ना आ रही, ये देखें ये जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, ये इसमें ना बिल्कुल ये एक बूंद पड़ी हुई है, इतना ज़्यादा इसमें ऑयल है, बिल्कुल ऑयल ऐसे है ही नहीं भाई। ये देखें, मैं भी कंजूस बंदा हूँ, मैं भी ऑयल नहीं डालता हूँ ना, तो बिल्कुल इसमें ऑयल नहीं है, बिल्कुल खाली लगा हुआ है। अंदर से आप चेक करें तो देखें बिल्कुल ऑयल नहीं है, देखते हैं इसमें ऑयल निकलता भी है ही नहीं।
मुझे नहीं लगता इसमें एक बूंद भी ऑयल की निकलेगी। देखते हैं ऑयल निकलेगा कि नहीं, काला काला ऑयल होगा। अभी निकालते निकालने की भरपूर कोशिश करता हूँ, पुराना ऑयल निकल जाए तो अच्छी बात होगी। इसको खंगा करते हैं। ये मैंने गिरा दी, बिल्कुल गिरा दिए, क्योंकि जो भी ऑयल होगा वो निकल ही जाएगा। मेरी बाइक का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मैंने गिरा दिए, क्योंकि इसमें ओ पेट्रोल पेट्रोल गिर रहा है, पेट्रोल पेट्रोल भाई साहब, पेट्रोल पे पेट्रोल। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने बाइक को गिराई थी, ये बहुत ज़्यादा ऑयल निकल गया है जी, और इधर से ना पेट्रोल भी निकल रहा था। मेरी बाइक में पेट्रोल भी एक कम है, और इस साइड से पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा निकल रहा था, और ऑयल बहुत ज़्यादा गिर गया है। और अभी कुछ ना कुछ मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। बाइक के अंदर पुराना पुराना ऑयल निकल रहा है ये जी, बहुत ज़्यादा बदबू है इस ऑयल में यार। इसमें ना इतना ज़्यादा दूध निकला है, दूध नहीं है यार, ये ऑयल है, दूध नहीं है, ये ऑयल निकला हुआ है, ये खून निकला हुआ है बाइक का। ये ना समझेंगे सारा खून है, जो बंदे से नहीं खून निकलता वो ऐसे खून निकल चुका है। अब इसमें न्यू ऑयल लगाता हूँ जी। अभी जी इसके अंदर ना ये ऐसे में लगाता हूँ, पहले मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने ये निकाला था, लेकिन हाथ वाथ गीले ना हो जाएं, काले ना हो जाएं सारे। तो अभी ये ऐसे लगाया जाता है जी, इसके बाद ना ऑयल लगाया जाता है न्यू। ये हमारा ना देसी जुगाड़ है, इसके बाद ना ऑयल गिर जाता है। बड़ी मटी है यार इसके अंदर, कोई बात नहीं है, बाइक भी मेरी पुरानी है, कौन सी न्यू बाइक है। चलो जी हो जाओ शुरू। अभी जी इसको खोलते हैं डब्बे को, बड़े पैसे खर्च कर लिए हैं मैंने इस डब्बे पर। अरे ये देखें, ये भी पन्नी लगी हुई है, खुल जा। ये इसमें सुराख हो गया है। अभी डालते हैं जी न्यू ऑयल, बाइक की जान ये लिखा हुआ है इसमें ना, ऑयल डालो डालो इंजन में जान। अभी जी इंजन में जान जा रही है, इंजन की जान, न्यू ऑयल देसी जुगाड़ से। ये देखें बिल्कुल फ्रेश, ऑयल में 5 रुपये निकल देंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया है, इसमें नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें सिक्के निकलेंगे। अरे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है जी, अभी कुछ ना कुछ इधर ऑयल लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ टपर ढीले हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ची बहुत ज़्यादा जी बड़ी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको दिखाया था ये सिर्फ़ एक मंथ की है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है जी। अभी ये मिर्ची देना भी स्टार्ट कर दिया इसने, ये देखें जी माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका है माशाल्लाह। सिर्फ अभी पौधा ही पौधा, सारा कुछ पौधा बन चुका है, बड़ा पौधा बन चुका है ये, आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह। तो अभी मैं आपको एक बहुत जी बड़ी चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो आपने कभी भी नहीं देखी होगी, उम्मीद करता हूँ नहीं देखी होगी। तो 1 2 3 ये देखें बस, ये ना कैसा जुगाड़ है लोगों का,
ये देखिए ना जनरेटर पर ये सारा सिस्टम लगाया हुआ है। ये देखिए ना जनरेटर है, जनरेटर में साथ में ये नहीं मोटर नहीं होता जो लाइट पर चलता है, ये सिर्फ पाकिस्तानियों का जुगाड़ है। आप देख सकते हैं ये लाइट ना होने की वजह से लोगों ने बड़े दिमाग बड़ा अपना बड़ा जो दिमाग होता है वो लगा कर ये सोलर वाला या सिस्टम, सोलर पर ये नहीं चलता, ये तो जनरेटर वैसे ही करंट देता है और पेट्रोल पर चलता है। तो इसमें प्लग भी लगा हुआ है, ये देखें ये प्लग लगा हुआ है और इधर ना स्टार्टिंग करने वाला वो कुछ सारा कुछ लगा हुआ है और ना इधर ना वाटर बॉडी लगी हुई है जो मोटर में अक्सर आप देखते हैं। तो पता नहीं मुझे आइडिया नहीं है ये कितने का होगा, लेकिन है पुराना है, पुराने ज़माने से लिया है तो आखिरकार सस्ता ही मिला होगा, लेकिन अभी इस वक्त तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तो ये जी लगा हुआ है, इसमें पेडिंग वाला भी ये पड़ा हुआ है, ये देखें ये ना इससे इधर से ये स्टार्ट होता है और इसमें ना मेरे ख्याल में बाइक वाला इंजन लगा हुआ है, बाइक नहीं 125 नहीं होता 125 उसी का ना इंजन लगा हुआ है। ये चेक करें जी, ये ना मोटरसाइकिल वाला इसमें इंजन लगा हुआ है, मोटरसाइकिल वाला इंजन लगा हुआ है। मेरे ख्याल में एक घंटे में एक लीटर जलाता है या कैसा है, मेरा नहीं है, मेरा मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ। मेरा होता तो मैं आपको पूरा स्टार्ट करके दिखा लेता, यहाँ से पाइप निकाल के दिखा लेता, लेकिन मेरा नहीं है ना, आपको सारा कुछ मैं दिखा लेता। ये देखें जी ये है जनरेटर और ऊपर से मेरी खटड़ी और इधर मैं जी बैठता हूँ, और क्योंकि ये कोई भी यहाँ से उठाएगा उठाएगा नहीं क्योंकि मैं बैठा हुआ हूँ, कोई भी यहाँ पर ख़तरा नहीं है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ना जंगलात में लगा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर जंगलात में लगा हुआ है, तो जो गांव है विलेज में वहीं पर पानी मीठा नहीं है, इसी वजह से इधर लगाया गया है जी। ज़बरदस्त है जी, ज़बरदस्त, जब भी बंदा आए पेट्रोल चला कर हैंडल लगा कर चला जाए बस चलता रहेगा और पानी आता रहेगा, ज़बरदस्त जुगाड़। तो अगर आपको ये आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और यार आज सैड न्यूज़ हो गई, अफसोस हो गया, और क्या कर सकते हैं जी, चला गया वो तो चला गया, और इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। और एक और बात, मैं कुर्बानी की आ रही है, कुर्बानी आ रही है तो इंशाल्लाह मैं मंडी पर भी जाऊंगा, वो भी आपको उसी के बारे में भी प्रोसेस बताऊंगा और मैं भी ख़रीदने जाऊंगा या क्या प्रोसेस दिखाएंगे, लेकिन ये मंडी पता नहीं किस दिन लगेगी, मैं तो कल जाऊंगा, अगर मंडी हुई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, बाय।